आ गई तुम। अस्सलाम वालेकुम, आज आपको आने में कुछ देर नहीं हो गई? हो गई तुम्हारी बहन की ढोलकी? जी हो गई ढोलकी, बस अभी पहुंची हूं। देखें अम्मी अबू ने आपके लिए कुछ चीजें भेजी हैं। ऐसा क्या भेज दिया उन्होंने जो तुम इतना खुश हो रही हो, और उनको मेरी परवाह कब से होने लगी? अम्मी अबू तो आपसे बहुत प्यार करते, इसीलिए तो उन्होंने शादी की तकरीबात के हिसाब से आपके लिए चीजें भेजी। अच्छा अच्छा, बस रहने दो ये बातें, अच्छी तरह पता है कौन कितना प्यार करता है। तुम खाना लगाओ। आपने बताया नहीं आपको देर क्यों हो गई? जितना कह रहा हूं उतना करो, मुझे और भी काम होते हैं, शादी अटेंड कर रहा हूं यही काफी है। दरअसल सब पूछ रहे थे बस इसीलिए। तो कह देती कि उनके पास एक पुरानी खटारा सी मोटरसाइकिल है जो कहीं भी अड़ियल खदे की तरह खड़ी हो जाती है। जब नई चमचमाती गाड़ी होगी ना तो हर जगह शौक से जाएंगे। साली की शादी होने वाली है, एक तमाशा लगा के रखा है। दो महीने से जहेज की तैयारियां हो रही हैं, महविश को भी साथ घसीट लेते हैं। मतलब कि तू ससुराल नहीं जा रहा? यार कैसा आदमी है, शादी का घर है, कोई ना कोई काम होगा, और तू बड़ा दामाद है उस घर का। मेरी भला से यार, मेरा क्या लेना देना उस घर से, जो काम है वो खुद करें। कैसी बातें करता है यार, कभी कहता है कपड़े आते हैं, जूते आते हैं, तोहफे आते हैं, और कह रहा है कि वो जाने उनका काम। लानत भेजता हूँ मैं ऐसे कपड़े और जूतों पर, जो मैं चाह रहा हूँ जब वो नहीं मिल रहा तो मेरे लिए तो ये सब कुछ बेकार हुआ ना। तो भाई जो चाहिए जाके मांग ले। अरे मैं खुद क्यों मांगू? मेरे ससुर ने मुझसे वादा किया था कि शादी के 3 साल के बाद गाड़ी दिलाएंगे, तो उन्हें अपनी बात खुद याद रखनी चाहिए ना। ओ 3 साल हो गए तेरी शादी को? हाँ 3 क्या, अब तो 6 साल होने वाले हैं। तो भाई को इस बात का दुख है कि गाड़ी बादों की नजर है अभी तक। और क्या यार, तंग आ गया हूँ, थक जाता है बंदा बाइक चला चला के। यार वैसे तो तेरी बाइक बिल्कुल नई है और बिल्कुल ठीक ठाक है, मैंने खुद देखी है, पर अगर तुझे गाड़ी की जरूरत है तो जाके मुंह से मांग ले। अब क्या जरूरी है कि बाइक परेशान करे तब गाड़ी आए? वैसे भी अब मेरा दिल ही नहीं चाहता है कि बाइक पे कहीं भी सर्दी गर्मी या बारिश में निकलने को। यहाँ बैठ के गुस्सा करके कोई फायदा होगा? मेरी मान वहाँ जा ससुराल में, साली की शादी की मुबारकबाद भी दे और अपनी डिमांड भी रख, देखना शराफत से मान जाएंगे। ये मेरी शराफत है जो ससुर के वादे पे सब्र करके 4 साल गुजार दिया, वरना लोग तो रुखसती भी नहीं करते। लगा था कि शर्म आ जाएगी, लेकिन आजकल ना लोग दूसरों की शराफत का फायदा उठाते हैं, और मेरे ससुर ने यही किया है मेरे साथ। तेरी बातों से अंदाजा यही हो रहा है। चल गुस्सा नहीं कर, ये तो हद ही नहीं हो गई। अब ऐसे भी क्या बहन की मोहब्बत के भाभी रोजाना मुंह उठा के अपने घर चली जाती। अब आज का दिन तो छुट्टी का दिन था ना, कम से कम आज का दिन तो आपके साथ गुजारना चाहिए था भाभी को। मैं खुद ही उसे जाने के लिए कहता हूँ। अच्छा है छुट्टी का दिन आराम से गुजरेगा, वैसे भी उससे आजकल उसकी शक्ल देखी नहीं जाती। ऐसा क्या हो गया? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे जरूर होगा। बल्कि मैं इस बारे में तुमसे मशवरा भी करना चाह रहा था। प्लीज भाई, एक तो ये भाभी के होते हुए ना हम बहन भाई अपने दिल की बात ही नहीं कर सकते। उसे खुद अपने शौहर की दिल की बात बिना कहे आज तक पल्ले नहीं पड़ी। ये क्या है, क्या है ये, जवाब दो मुझे जी। ये वो 3 साल हैं जो तुम्हारे अबू ने वादा किया था। उन्होंने वादा किया था कि 3 साल बाद रिटायरमेंट पे मुझे गाड़ी देंगे। मगर इत्तेखार आप तो जानते हैं ना, इसमें अब्बू की कोई गलती नहीं है। हाँ गलती तो मेरी है कि मैं उनकी बातों में आ गया, और अभी तक मेरे पास वही मोटरसाइकिल है जो तुम्हारे साथ बांधते हुए मुझे दी गई थी, मेरी गाड़ी नहीं आई। वो दरअसल अब्बू को 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई जिसकी वजह से 1 साल ऊपर हो गया, और फिर सारा का माशाल्लाह से इतना मुनासिब रिश्ता आ गया कि उसकी जल्दी शादी करनी पड़ रही है। बस इसीलिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, अब्बू सारा की शादी की वजह से। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, अबू से कहो कि दूसरी बेटी की शादी से ज्यादा जरूरी है कि पहली बेटी का घर बसा रहे। मगर इफ्तिखार अबू से अभी बात करना तो मुनासिब नहीं होगा,
सारा की शादी की वजह से पहले ही बहुत खर्चा है और उन्हें ऑफिस से भी अभी पूरे पैसे नहीं मिले। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। तुम्हारे पूरे के पूरे खानदान वाले एक से एक बहानेबाज हैं। यकीन कीजिए इफ्तिखार, अब्बू ने सारा की शादी के लिए खुद अपने दोस्त से 5 लाख कर्ज लिया है। हाँ, अब्बू की पूरी कोशिश है, जैसे ही उन्हें प्रोविडेंट फंड मिलेगा वो आपको पहले कार दिलवाएंगे और फिर समी साहब का कर्ज उतारेंगे। अच्छा अच्छा, सारा की शादी पे 5 लाख ले सकते हैं? हमारी शादी पे वो पैसे लेके मुझे गाड़ी नहीं दिला सकते थे? अब मुझे यकीन हो गया कि गाड़ी देने की उनकी कभी नियत थी नहीं। उन्होंने सोचा कि बाइक देके टाल दो और उसी पे मैं सबर कर लूंगा। नहीं नहीं इफ्तिखार, ऐसा नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। यकीन ही तो किया था मैंने, उसका नतीजा यही तो निकला है आज। किसी ने सही कहा है कि घी जो है वो सीधी उंगली से कभी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बहुत सालों तक तुम लोगों ने मेरी शराफत का फायदा उठा लिया, अब मैं तुम लोगों का अपना असली चेहरा दिखाऊंगा। अम्मी अब्बू मुझे वहां देखेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। अगर देखेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा कि तुम्हारे शौहर से उन्होंने कोई वादा किया था, और जब याद आ जाए तो उनसे कहना या वादा पूरा करें या जिंदगी भर के लिए तुम वहीं रहो। वैसे भी तुम्हारा वहां जाना होता है, अब मुस्तकिल वहीं रहो जाके। मेरा साद अंदर सो रहा है। साद का बाप अभी जिंदा है, जब तक ये मसला हल नहीं होता साद मेरे पास ही रहेगा। इफ्तिखार, प्लीज। और एक बात याद रखना मेरी, उस वक्त तक मुझे अपनी सूरत मत दिखाना जब तक मेरी गाड़ी ना आ जाए, समझी तुम? जानती हो आप पर अभी सारा की शादी का बहुत बोझ, लेकिन मैं क्या करती? वालिदैन की तकलीफ सिर्फ औलाद को दिखाई देती है, दूसरों को नहीं। इफ्तिखार भी गलत नहीं कह रहा, मैंने उससे 3 साल का वादा किया था, चौथा साल आने को है। तो क्या इन 4 सालों में हमने उसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया? उसको इतनी इज्जत देते हैं हम, बल्कि अपनी औलाद की जगह समझते हैं। इन हालात में हमारा सहारा बनने के बजाय हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। एक बेटी का सुख और दूसरे का घर बार दांव पे लगाओ, क्या कह सकते? अफसोस के मैं कोशिश के बावजूद अपना वादा पूरा नहीं कर सका। माफ करना बेटा, तुम्हारा अब्बू बहुत बेबस है। नहीं अब्बू, ऐसा नहीं कह। अब यकीन जाने मैंने उन्हें बहुत समझाया, उनसे कहा कि अब्बू अपना वादा नहीं भूले, नहीं उन्होंने अपना इरादा बदला है। अगर सारा की शादी इतनी जल्दी ना करनी होती तो उनकी गाड़ी अब तक आ चुकी होती। गलती मेरी है बेटा, मुझे इफ्तिखार से खुद बात करनी चाहिए थी। मैंने कई बार कॉल की उसे, न उसे मेरी कॉल रिसीव की न किसी मैसेज का जवाब दिया, तो शर्मिंदगी की वजह से मैं खामोश हो गया। अब ये बताएं कि आखिर हमें करना क्या है? इफ्तिखार अगर सारा की शादी में नहीं आए तो हम किस किस को जवाब दें? एक बेटी की आबादी दूसरी उजड़ के बैठ जाए, या रब्बुल आलमीन को रास्ता दिखा।
बहुत अच्छा किया। ये लोग शराफत की जबान तो समझने ही नहीं वाले। अब कोई जरूरत नहीं किसी पे तरस खाने की। क्या बात कर रही हो तुम? तरस तो दूर की बात है, मैं तो एक बात भी सुनना नहीं चाहता। वैसे भाई एक बात, आपके ससुराल वाले हैं बहुत पेशेंट। आपको याद नहीं अम्मी ने मेरी शादी पे क्या क्या कुछ नहीं किया था? पूरा खानदान कहता रह गया कि बेटी की शादी पे इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अम्मी ने इतना खर्चा किया। मेरी बेटी के ससुराल में उसकी इज्जत का मसला है, लेकिन ये इनको तो जरा एहसास नहीं अपनी बेटी की खुशियों का। अम्मी की क्या बात थी, कहां अम्मी और कहां मेरे ससुराल वाले। अम्मी की वजह से ही मैं ये महविश को ब्याह कर लाया था, वरना पहली दफा देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कैसे लोग हैं। चलें, अब तो अकड़ ठिकाने आ जाएगी ना, जब बेटी के सर पे तलवार लटकती देखेंगे ना, तो बड़े मियां की जेब से पैसे निकलेंगे। कह तो तुम ठीक रही हो। तुम बताओ के लिए आई हो? नहीं, वो अशरफ छोड़ के गए, वो तो उनकी मीटिंग थी ना ऑफिस में, इसलिए। वरना उनकी मजाल क्या आपसे मिले बगैर चले जाओ। अब वापसी पे मुझे लेने आएंगे तो आपसे मुलाकात हो जाएगी ना। ऐसे अशरफ तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता। जब शौहरों को पता होता है ना कि बीवी हर अच्छे बुरे में साथ देती है, और बीवी क्या, बीवी के घर वाले भी हर मुसीबत में साथ देते हैं, तो कहीं जाके शौहरों के दिलों में जगह पैदा होती है। काश कि ये बात मेरी बीवी के घर वालों को भी समझ में आ जाए। अब तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगी जब खानदान में बातें बनेगी ना, नए समझाने वाले पूछेंगे कि बड़ा दामाद कहाँ है, होश ठिकाने आ जाएंगे। वैसे बहुत ढीठ हैं। सुबह मुझे मैसेज किया कि बेटा बहुत माजरत, हो सके तो थोड़ी मोहलत दे दो। मैंने जवाब ही नहीं दिया। बिल्कुल ठीक किया भाई आप, कोई जरूरत नहीं है किसी को रियायत देने की। दामाद की इज्जत करना सीखें। ठीक है सिद्दीक साहब, मजबूरी में और क्या किया जा सकता है। ठीक है, आप बयाना ले लें। शुक्रिया बेटा। ये प्लॉट सारा की शादी पे भी नहीं बेचा था, सोचा था बाद में बेचकर मैं और तुम्हारी माँ हज पे चले जाएंगे। हालांकि मार्केट से 2-2.5 लाख रुपए कम मिल रहे हैं। चलो, जो अल्लाह को मंजूर। अबू, हम बेटियां आप पे बोझ बन गई हैं। ना बेटा ना, ऐसा नहीं कहते, हम तो तुम्हें खुश और आबाद देखना चाहते हैं। माँ बाप को इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है। ये लीजिए। ठीक है, इसको बेचकर इंशाल्लाह गाड़ी के पैसे पूरे हो जाएंगे। इंशाल्लाह सारा की शादी से पहले पहले मैं भी अपने घर चली जाएगी, और इफ्तिखार भी शादी में शिरकत करेंगे। अल्लाह ताला ने सबब बना दिया, एहसान है उसका। अम्मी, आप सारा का सेट बेच रहे हैं? हाँ बेटा, उसके लिए 2 सेट बनाए थे, 1 मैंने रोक लिया, इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। तुम फिक्र मत करो, उसके ससुराल वालों ने तो पहले ही कहा था कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए। नहीं होते नहीं। अच्छा ये तो बताओ, गाड़ी किस कलर की होनी चाहिए? मैं क्या कह सकती हूँ, जिसे चाहिए उससे पूछ लीजिए। ठीक है, मैं भी फोन कर लेता हूँ।
हेलो। हाँ इफ्तखार बेटा, कैसे हैं आप? जी बस ठीक हूँ। बेटे को तुमसे पूछना था कि तुम्हें गाड़ी किस कलर में चाहिए। अंकल वो गाड़ी का कलर तो मैंने पहले ही पसंद कर लिया था। वो दोस्त का शोरूम है ना, इसलिए कोई मसला भी नहीं है। बस अब पेमेंट करनी है। बस समझे कि गाड़ी तो मैं पहले ही होल्ड करा चुका हूँ। चलो ठीक है बेटा, आप बस ऐसा करें कि शोरूम चले जाएं, दोस्त से मेरी बात हो गई, वो सब कुछ संभाल लेगा। ठीक है बेटा। वैसे अंकल आप पैसे तो पूरे ले जा रहे हैं ना? वो क्या है कि दोस्त का शोरूम है, मगर मैंने दोस्ती और कारोबार को अलग अलग रखा है। पैसे इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे, तुम फिक्र मत करो बेटा। अल्लाह हाफिज अंकल। मसला ही हल हो गया, उसने गाड़ी पसंद कर ली है। बहुत शर्मिंदा हूं मैं आप लोगों से। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, जो कुछ है सब तुम दोनों बहनों का है, फिक्र मत करो। दिल से हुई है खता है, कर माफ मुझको यही इल्तजा है। पल पल हर दम एक तू हम दम, बस दिल यही पुकारे माला मेरी तौबा। इफ्तखार आप एक दफा अब्बू को फोन करके उनका शुक्रिया अदा कर दें। शुक्रिया किस बात का? कोई एहसान किया उन्होंने मुझ पे? इफ्तखार अब्बू ने गाड़ी के लिए बहुत मुश्किल से पेमेंट अरेंज किया है। बस हो गई ना शुरू, तुमसे तो मेरी खुशी देखी ही नहीं जाती। तुम्हें शौक है कि किसी तरह मेरी खुशी को बर्बाद कर दो। 10 मरतबा बता चुकी हो पैसे कैसे इकट्ठे हुए। शुक्रिया तो उन्हें मेरा अदा करना चाहिए, मेरा, जो मैं तुम्हें वापस लेके आ गया हूं। इसे कहते हैं वादा पूरा करना। सारा मूड खराब कर दिया। मैं अभी दुर्दाना को फोन करता हूं, कम से कम एक मेरी बहन है जो मेरी खुशी में खुश होती है। हाय दुर्दाना, हुआ क्या है? अशरफ कहाँ है? मैं बर्बाद हो गई भाई, नजरें खा गई मेरे घर को। अशरफ हमें छोड़ के चले गए। क्या? लेकिन लेकिन क्यों? उसकी शादी कर ली। लड़की अमेरिकन नेशनल है, वो उन्हें साथ ले जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों किया अशरफ ने? उसने कहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे दिया ही क्या है, एक फ्लैट और एक गाड़ी। ये जो आग है मैंने खुद जलाई, नहीं मुझसे फिर ये गई बुझाई। अब रे करम से मौला रहम बरसाने। इस बार तो ग्रीन कार्ड के साथ उन्हें 3 डिपार्टमेंटल स्टोर भी मिल रहे। मैं अशरफ अजीम दुर्दाना अजीम को अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूं। मैं तो अपने लायक नहीं था, जो मिला है तूने दिया है। जो करे तू सब है अच्छा, जो बुरा है मैंने किया है। अब कोई गर्ज नहीं है, दिल का सकून है तू है खुदा। भाई
दिल की बात हम किसी के साथ जुल्म करने से पहले ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की लाठी पे आवाज है। हमारा किया माया के कैसे आता है हमें पता भी नहीं चलता। मेरी तौबा मैंने खुद जलाई नहीं मुझसे पिए कभी।